हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल को क्रिएट किए थे, मींस फ्रंट एंड पार्ट को क्रिएट किए थे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डॉट जावा फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, मीन बैक एंड पार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो बैक एंड पार्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा लॉगिन डॉट जावा में, एंड ये जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू जितने भी इम्प्लीमेंट किए थे एंड बटन इम्प्लीमेंट किए थे, यहाँ पर हमें इसको डिक्लेयर करना होगा। तो इसके लिए हम आ जाते हैं लॉगिन डॉट जावा में एंड इसको एंटर करेंगे, एंड जो हमने एडिट टेक्स्ट यूज़ किए इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। एडिट टेक्स्ट हमने एक यूज़ किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, दो, एक ईमेल का एडिट टेक्स्ट यूज़ किए थे एंड एक पासवर्ड का एडिट टेक्स्ट यूज़ किए थे। ओके, तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, एम ईमेल कॉमा एम पासवर्ड, आपको नेम दे देना इसका। ये तो हुआ हमारा एडिट टेक्स्ट का। अभी हमें बटन का भी डिक्लेरेशन करना होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक बटन यूज़ किया था। ओके, एंड ये जो टेक्स्ट व्यू दिखाई दे रहा है आपको, मैं दिखा देता हूँ, ये जो टेक्स्ट व्यू है साइन अप का, हमें इसको भी डिफाइन करना होगा, एंड ये जो प्रोग्रेस बार है इसको भी डिफाइन करना होगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बटन को डिफाइन कर देता हूँ, बटन, एंड इसका हम नेम दे देंगे एम लॉग इन बटन। इसको मैं सेमी कॉलम से क्लोज कर देता हूँ। अगेन हमें टेक्स्ट व्यू का भी यूज़ करना होगा, तो टेक्स्ट व्यू हमें कौन सा यूज़ करना होगा, जैसे कि कोई साइन अप पे क्लिक कर देता है तो कोई एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए, वही हमें टेक्स्ट व्यू का यूज़ करना है, एम क्रिएट बटन। तो आप देख सकते हैं एम क्रिएट बटन हो चुका है, एंड सेम आपको यूज़ करना है प्रोग्रेस बार। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने इसको कम्प्लीटली डिफाइन कर दिया। अभी हमें इसको डिक्लेरेशन भी परफॉर्म करना होगा, तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, एम ईमेल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट ईमेल। तो आपको दिखा देता हूँ मैं, ये जो ईमेल है इसकी हमने आईडी क्या डिफाइन की थी, ईमेल, तो वही हमें यहाँ पे यूज करना होगा। इसको सेमी कॉलम से क्लोज करना होगा, मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ यहाँ पे ऊपर जाके, तो यहाँ से हम इजीली चेंज कर सकते हैं, एम पासवर्ड, एंड सेम हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा पासवर्ड, क्योंकि हमने वहाँ पे आईडी डिफाइन की थी पासवर्ड। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पासवर्ड यूज़ किया था। हमें प्रोग्रेस बार के लिए भी यूज़ करना है, तो सबसे पहले मैं बटन के लिए यूज़ कर देता हूँ, एम लॉग इन बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट। तो हमने क्या यूज़ किया था यहाँ पे, क्रिएट टेक्स्ट वन, सॉरी, हमने यूज़ किया था लॉग इन बटन के नेम से आईडी यूज़ की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन बटन हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मैं दो बार इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ, क्योंकि हमें एक एम क्रिएट बटन को डिफाइन करना है। तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, क्रिएट टेक्स्ट वन, एंड प्रोग्रेस बार को हमें डिफाइन करना है। प्रोग्रेस बार, तो आई होप अभी समझा होगा, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लिया, इसको नेम दे दिया, यहाँ पे दोनों को भी डिफाइन कर दिया, सेम हमने बटन लिया, बटन को डिफाइन किया, टेक्स्ट व्यू लिया, टेक्स्ट व्यू को डिफाइन किया, प्रोग्रेस बार लिया, प्रोग्रेस बार को डिफाइन किया, बस यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन परफॉर्म किया। अभी हम क्या करते हैं, तो एक्टिविटी लॉगिन डॉट एग्जामिन में आपको लेके चलता हूँ। तो देखो, अगर कोई यूज़र आता है एंड उसका ऑलरेडी साइनअप पेज है, तो वो यूज़र कहाँ पे जाना चाहिए, तो जैसे कोई साइनअप पे क्लिक करेगा तो वो साइनअप में जाना चाहिए, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे अगर कोई इस टेक्स्ट व्यू को क्लिक कर देता है, क्योंकि हमने यही टेक्स्ट व्यू यूज़ किया है ना, हमने, आपको दिखा देता हूँ मैं साइन अप पे लेके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट टेक्स्ट वन हमने आईडी डिफाइन की है। ओके, तो क्रिएट टेक्स्ट वन का नेम क्या है, एम क्रिएट बटन, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एम क्रिएट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, मतलब अगर उसके ऊपर क्लिक करता है तो क्या होगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड यहाँ पे हम मेथड दे देंगे न्यू करके, एंड व्यू ऑन जैसे टाइप करेंगे तो मेथड
आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सेम हमें इंटेंट का यूज करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी डिफाइन कर दूंगा एंड पास कर देना न्यू इंटेंट। एंड यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉमा पास कर देना है। एंड किस एक्टिविटी में हमें जाना है, तो रजिस्टर डॉट क्लास में। तो रजिस्टर में यहाँ पे लिख देता हूँ, बट यहाँ पे एरर शो होगा क्योंकि हमने रजिस्टर के नेम से कोई भी अभी तक यहाँ पे एक्टिविटी क्रिएट नहीं की है। ओके, तो हमें सबसे पहले इस एरर को रिजोल्व करने के लिए इसको कॉपी करना होगा। हमें जाना होगा पैकेज नेम पे, राइट क्लिक न्यू एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी एंड नेम यहाँ पे चेंज करना होगा रजिस्टर के नेम से। ओके, एंड फिनिश बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो सेम यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको लॉगिन डॉट जावा में। तो जैसे हम इस पर टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं जो यहाँ एरर शो हो रहा था रजिस्टर डॉट क्लास, वो अभी रिजोल्व हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना होगा, फायरबेस का यूज करना होगा क्योंकि अगर कोई लॉगिन पे क्लिक करता है तो जो भी डेटा रहेगा वो फायरबेस में जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, लॉगिन में अभी फायरबेस का यूज करना होगा। तो मैं अभी फायरबेस को कनेक्ट कर देता हूँ, मीन्स हमें जो भी डिपेंडेंसी हो सबसे पहले पेस्ट करना होगा, फिर बाद में हम कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो मैं इंटरनेट को ऑन कर देता हूँ सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे इंटरनेट को भी कनेक्ट कर दिया है। आपको सबसे पहले डिपेंडेंसी को पेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, टूल में जाना होगा, फायरबेस पे क्लिक करना होगा। फायरबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग शो होगा, लोडिंग असिस्टेंट कंटेंट। तो हम वेट करते हैं, जब तक आता नहीं तब तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी शो रहा है। तो अभी आपको सबसे टॉप में आना है। तो मैं टॉप में आ जाता हूँ, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, ऑथेंटिकेशन यूजिंग गूगल पे क्लिक करना है एंड ये जो एट द फायरबेस ऑथेंटिकेशन है इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करो एंड जो भी यहाँ पे डिपेंडेंसी शो हो रही है खुद ब खुद हमारे प्रोजेक्ट में आ जाएगी। तो अभी हम एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है एंड सेम आपको वेट करना होगा ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो जैसे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगा तो हमारे बिल्ड डॉट ग्रेडल में डिपेंडेंसी पेस्ट हो जाएगी। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे लेके चलता हूँ बिल्ड डॉट ग्रेडल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कॉम गूगल डॉट फायरबेस ऑथ ये डिपेंडेंसी पेस्ट हो चुकी है। ओके, तो ये कम्प्लीटली फिनिश होने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक आ जाएगा। तो हम वेट करते हैं ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो आप देख सकते हैं अभी कम्प्लीटली ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है एंड यहाँ पे राइट भी क्लिक आ चुका है। जैसे हमने ऑथेंटिकेशन की डिपेंडेंसी को पेस्ट किए मीन्स सिलेक्ट किए, तो वैसे हमें क्या करना है, स्टोरेज की भी इसको क्लिक करना है। ओके, तो आपको आ जाना है क्लाउड स्टोरेज, सॉरी नीचे क्लाउड स्टोरेज फॉर फायरबेस, गेट स्टार्टेड एट द क्लाउड स्टोरेज एंड एक्सेप्ट चेंजेस। ओके, सेम जैसे एक्सेप्ट चेंजेस करेंगे यहाँ पे एक ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको वेट करना होगा अगेन ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है एंड डिपेंडेंसी सक्सेसफुली पेस्ट हो चुके हैं। तो अभी आपको क्या करना है, हमारा क्लाउड स्टोरेज फॉर फायरबेस तो हो चुका है, अभी हमें आना है फायर स्टोर में। ओके, तो फायर स्टोर में आने के लिए आपको क्लाउड फायर स्टोर पे क्लिक करना होगा, गेट स्टार्टेड एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे तीन डिपेंडेंसी हमारी पेस्ट हो चुकी है, एक ऑथेंटिकेशन की, एक स्टोरेज की एंड एक फायर स्टोर की। ओके, तो अभी हमारा कम्प्लीटली डिपेंडेंसी का वर्क हो चुका है। तो जैसे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगा तो हम इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी का वर्क हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपेंडेंसी पेस्ट हो चुकी है एंड ग्रेडल बिल्ड भी फिनिश हो चुके हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर दिया, अभी आपको इसको क्लोज कर देना है। ओके, एंड ये जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है इसको भी क्लोज देना है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो भी थ्री डिपेंडेंसी थे वो पेस्ट तो हो चुके हैं। ओके, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अभी आपको सबसे पहले आ जाना है लॉगिन डॉट जावा में। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड जो हमने डिपेंडेंसी पेस्ट की थी ऑथेंटिकेशन की, वही हमें यूज करना होगा फायरबेस ऑथ के नेम से, फायरबेस ऑथ। तो अगर आप डिपेंडेंसी को पेस्ट नहीं करते और फायरबेस ऑथ सर्च करते तो आपको एरर शो होता, ठीक है। तो अभी हमने एरर रिजोल्व करने के लिए डिपेंडेंसी को पेस्ट कर दिया। तो मैं इसका नेम दे देता हूँ फायरबेस ऑथ।
ओके एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे हमने एडिट टेक्स्ट को डिफाइन किया था वैसे इसको भी डिक्लेयर करना होगा हमें, इसलिए हम आ जाते हैं इसके नीचे प्रोग्रेस बार के नीचे एंड इसको हम डिफाइन कर देंगे फायरबेस ऑथ इज इक्वल टू, काय का यूज किए थे हमने, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंट को यूज करना होगा, डॉट गेट इंस्टेंस एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर रिजोल्व हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर कोई लॉगिन बटन पे क्लिक करता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्टिविटी लॉगिन डॉट एग्जाम्पल में लेके चल के। तो अगर कोई लॉगिन पे क्लिक करता है ठीक है, तो हमारी क्या एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए वही हमें यहाँ पे टाइप करना होगा। तो मैं टाइप कर देता हूँ जल्दी से लॉगिन डॉट जावा में जाके, तो मैं इसके नीचे आ जाता हूँ एम क्रिएट बटन के नीचे एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम लॉगिन बटन, क्योंकि हमने ऊपर में यूज किए थे डिफाइन किए थे डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अगर इस पर कोई क्लिक करता है यहाँ पे आपको टाइप करना होगा न्यू ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग का यूज करना है ओके, स्ट्रिंग ईमेल नेम दे दिया मैंने ईमेल एम ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट। तो ये जो नीचे में दिखाई दे रहा है गेट टेक्स्ट वही आपको यूज करना है, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम ओके एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। सेम आपको स्ट्रिंग पासवर्ड नेम दे देता हूं मैं, पासवर्ड इज इक्वल टू एम पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम एंड स्विमिंग कॉलम से भी इसको क्लोज कर देना ओके। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड तो लिए स्ट्रिंग, बट ये आ रहा कहाँ से? तो अगर कोई रजिस्टर डॉट जावा में हम ये जो कोड करेंगे तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग को पास करेंगे, वही लॉगिन डॉट जावा में हम गेट टेक्स्ट कर दे ओके। तो हम इन फ्यूचर जावा भी फाइल क्रिएट करेंगे रजिस्टर की, तो आपको खुद ब खुद समझ जाएगा ओके। तो अभी हम लॉगिन बटन लॉगिन पेज की इसमें कर रहे हैं ओके। तो अभी मैं इफ पे क्लिक कर देता हूँ, इफ टेक्स्ट यूटिल्स जो एक ऑलरेडी होती है डिफाइन प्री डिफाइन, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट utils dot is empty। अगर टेक्स्ट empty है तो क्या होगा, तो ये कहाँ से आएंगे, ईमेल से। तो हमें क्या डिफाइन करना होगा, अगर टेक्स्ट empty है तो ईमेल इज रिक्वायर्ड, तो इसलिए हमें क्या करना होगा एम ईमेल को पास करना होगा डॉट सेट एरर, एरर में हम पास करेंगे ईमेल इज रिक्वायर्ड ओके। तो ये तो हुआ ईमेल का पार्ट, तो अभी मैं इसको सेमी कॉलम से क्लोज करता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ एंड मैं इसको रिटर्न भी करना होगा क्योंकि ईमेल है, तो इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। इसके बाद आपको इफ यूज करने के बाद अगेन आपको इफ यूज करना होगा क्योंकि हमें पासवर्ड के लिए भी यूज करना है ना, तो जैसे हमने ईमेल के लिए यूज किया वैसे हम पासवर्ड के लिए भी कर देते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, इफ को अभी एंटर नहीं करता हूँ, जैसे कि इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड ये जो टेक्स्ट यूटिल डॉस इज एम्प्टी इसको जैसे कि वैसे रखना है, बस ईमेल की जगह हमें किसका यूज करना है, तो पासवर्ड का एंड जैसे हमने एम ईमेल ऊपर में यूज किए थे यहाँ पे हमें एम पासवर्ड का यूज करना है, एम पासवर्ड ओके एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड एंड सेम हमें इसको रिटर्न को पास कर देना है। तो अगेन हम एक कंडीशन यूज करेंगे, अगर पासवर्ड की लेंथ 6 से कम होती है तो हमें उसको क्या करेंगे, मस्ट बी ग्रेटर कर देंगे ओके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे, इफ पासवर्ड डॉट लेंथ मिनिमम 6 से तो भी ऊपर चाहिए, इसलिए हम एक कंडीशन लगा रहे हैं पासवर्ड डॉट लेंथ
लेस देन इज इक्वल टू सिक्स, अगर सिक्स है तो क्या होगा, एम पासवर्ड डॉट सेट एरर, पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन सिक्स, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने इसको सेमी कॉलम में नहीं डाले, तो इसको मैं सेमी कॉलम में डाल देता हूँ। ओके देख सकते हो अभी यहाँ पे एरर शो नहीं हो रहा है, तो पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू सिक्स कौन सा कैरेक्टर्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इफ का हमने यूज किया, अगर एम्प्टी है तो ईमेल इज रिक्वायर्ड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, अगर सिक्स से कम है तो वहां पे मैसेज शो चला जाएगा पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, एंड इसको सेम रिटर्न पास करना होगा, तो मैं यहाँ पे रिटर्न को पास कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा इसका वर्क हो चुका है, अभी इसके नीचे आ जाना है क्योंकि अगर ये फिल होने के बाद हमें क्या होता है, प्रोग्रेस बार को एक विजिबल करना होता है, तो इसलिए मैं प्रोग्रेस बार यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। आपको स्मॉल प्रोग्रेस बार यूज करना है क्योंकि हमने उसको डिफाइन किए थे प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी, तो वहाँ पे इनविजिबल था एक्टिविटी लॉग इन डॉट एग्जामल में, तो अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, विजिबल कर देता हूँ। तो सबसे पहले सेट विजिबिलिटी यहाँ से चूज करनी है एंड यहाँ से इसको पास कर देना विजिबल। ये होने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन यूज करना है, एफ ऑथ डॉट साइन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, जैसे आपको पास करना है ईमेल एंड कॉमा पासवर्ड, यहाँ से आपको डॉट कर देना है ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डॉट ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर, तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये जो भी मेथड हो जाएगी कंप्लीट लिसनर की खुद ब खुद आ जाएगी। तो हमें एक इफ की कंडीशन यूज करना है, तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो इस एरर को रिजोल्व करने के लिए बस सेमीकोलन इंप्लीमेंट करना है, एरर रिजोल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन यूज कर देता हूँ, इफ टास्क सक्सेसफुल, इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल तो हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन यूज कर लेंगे, हम मैसेज शो कर देंगे लॉगिन इज सक्सेसफुल, अगर एल्स, एल्स में हम डाल देंगे एरर। ओके तो इसलिए हम यहाँ पे पहले तो टोस्ट पास कर देंगे, अगर सक्सेसफुल होता है तो टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, तो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे लॉगिन डॉट दिस कॉमा, यहाँ पे हम मैसेज पास कर देंगे लॉगिन सक्सेसफुल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मैसेज पास कर दिया। इसके बाद अभी आपको जो लेंथ रहेगी टोस्ट की वो कैसी रहेगी, शॉर्ट रहेगी कि लेंथ लॉन्ग रहेगी वो डिफाइन करना होगा, तो इसलिए मैं डिफाइन कर देता हूँ टोस्ट टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो एंड सेमी कॉलम से अगेन इसको आपको क्लोज करना है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट, हमें जाना है किस एक्टिविटी में, तो मेन एक्टिविटी में। ठीक है, कि वो अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो सबसे पहले तो उसको मैसेज शो हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमने इंटेंट पास कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट चला जाएगा जिस भी एक्टिविटी में आपका होम एक्टिविटी रहेगा उस एक्टिविटी में चला जाएगा, इसलिए हम पास कर रहे हैं गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास।
ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, एल्स का पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। एल्स यहाँ पे भी हम सेम टोस्ट को यूज करेंगे, तो क्रिएट न्यू टोस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारा टाइप नहीं करना होता इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस एरर हम क्या शो कर देंगे एल्स में, अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो कोई ना कोई तो एरर रहेगा, तो इसलिए हम एल्स पार्ट में एरर को शो कर रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी इसके नीचे आ जाना है एंड इसको हम क्या करेंगे, जो प्रोग्रेस बार रहेगा इसको गॉन कर देंगे एल्स के कंडीशन में। सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट गॉन, तो आप देख सकते हो अभी हमारा वर्क हो चुका है एल्स के पार्ट में भी। बट यहाँ पे हम एक मैसेज भी शो कर देंगे, जो भी एरर रहेगा उसको भी हम शो कर देंगे एल्स के पार्ट में, कौन सा एरर एग्जैक्टली शो हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस यहाँ पे ऐड का साइन देना होगा, तो मैं यहाँ पे ऐड का साइन दे देता हूँ। टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन दे देता हूँ मैं, ऐसे जो भी एरर रहेगा डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, जो भी मैसेज रहेगा उसको शो हो जाएगा कॉमा, एंड यहाँ पे हमारा टोस्ट लेंथ शॉर्ट जो भी रहेगा वो शो हो जाएगा। तो आई होप अभी आपको समझ में आएगा ऑथ की जो भी प्रोसेस है वो कम्प्लीटली समझ में आई होगी। अगर कोई यूजर आता है, अगर सक्सेसफुली लॉग इन हो जाता है तो उसको मैसेज शो होगा एंड मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में चला जाएगा। ओके एल्स के पार्ट में क्या होगा, अगर लॉग इन नहीं होता है तो उसको एरर शो हो जाएगा एंड जो भी गेट मैसेज मीन जो भी एरर रहेगा उसको शो हो जाएगा। ओके तो आई होप अभी आपको कम्प्लीटली जो भी लॉग इन डॉट जावा है इसका पार्ट कम्प्लीटली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी रजिस्टर को क्रिएट करने वाले हैं, ये जो आपको दिख रहा है एक्टिविटी रजिस्टर इसको ही हम क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।